नमस्ते, जम्मू पर्वत में दिखाए तो स्थान तुंदा अपना प्रापरी शिव विरागी। साढ़े देश विच पैसे की कमी नहीं है, मगर जेडे उन्हें लाने ले ठेकेदार उन्दे विच बड़ी कमी है। माता सारा पैसा मते सारे लीडरें विच गैब होइंदा, ते मता सारा पैसा जेड़ा है जेडे लोग काम करवांदे न, जेडे कोई ग्रां दे ग्रां सेवक होंदे न, जां पंच सरपंच होंदे न, जां कोई भी जिते जरिए कन्नै पैसा लगना होंदा, अद्धा पैसा तो उत्थें गैब होइंदा। एक बड़ा बड़ा स्कैम आ गया, क्योंकि साढ़े बच्चे एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिन्हें RTI के माध्यम कन्नै एक बड़ा बड़ा खुलासा सामने लियाया। तो पिछले दिन अस उनकी खबर भी एक लाई ही कि जो उनके कुल्ले के पैसे, जो उनके मकान के पैसे आने हैं इंदिरा आवास योजना के तहत, वह भी उन्हें नहीं लभ्या है। जिसले तक साढ़े देश का पैसा सही जगह पर नहीं लगेग, उसले तक साढ़ा देश तरक्की भी नहीं कर सकता। साढ़े ग्रां की हालत, बड़ा पैसा होंदा मगर हालत उधर दी उधर गै रहिंदी, क्योंकि जिन्हें पैसा लाना होंदा वह उत्थें नहीं लाइए, अपने घर भरने, अपने तजोरियां भरने, अपने बैंक बैलेंस भरने गै लगे रहिंदे। साढ़े बच्चे कुलदीप होर न, तुसें चेहरा पहचानी लिया होना बड़ी भांति, ते अस उंदे कन्नै गल करगे। कुलदीप जी, अज फिर एक बार तुस जम्मू परिवर्तन च आए हो, केह् मसला अज लेई आए हो? सारे कोलों पहला मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जिन्हें साड़ी आवाज़ की अगे तक पहुँचाया है। मैं पिछले काफ़ी टाइम का, खास करके मेरी लड़ाई ही डिपार्टमेंट कन्नै, ग्राम सेवकों कन्नै मेरी लड़ाई ही, लड़ाई किस चीज़ ही कि मेरा एक जिथे मैं रहा नड़ेई च, नड़ेई ग्रां च काफ़ी टाइम का जरा सा मेरे घर का जरा सिस्टम बड़ा खराब हा, और उत्थे कोई साड़ी पुरानी जगह ही आप शंभू ज्योति लिंग उत्थे प्रगट होए हे नागेश्वर रूप च, वो उत्थों प्रगट होए, असीं उत्थों लिंग मिले, उत्थे एक जग हुंदा 25 जनवरी की, उदा थोड़ा रस्ता उत्थे रस्ता हा थोड़ा जिहा, उसी रस्ता नेहा उपर जाने जांदा, मैं उत्थे मंदिर का काम बनाना हा, लाना हा, और मंदिर के बनाने में काफ़ी इन्हें जोर लाया कि मेरा रस्ता यार भी थोड़ा जिहा गैप भरी दिओ, थोड़ा जिहा गैप जिथों साड़ी मुंड इंदे कन्नै सारा बनिया। मेरी इंदे कन्नै कोई बात नहीं, मेरा इन्हें इयै नहा पता कि मेरी वार्ड केड़ी है, वार्ड नंबर 9 है, 2 है, 4 है, के है, मेरी इस गल का इंदे कन्नै मेरा कोई लेना देना नहा। मैं जिस टाइम फोन करना, जिसलै वो रस्ते इन्हें बारे में गल आखी, मेरे को JCP एक लगी, मेरे दुए घर JCP लगी, मैं इन्हें पूछा सर, सजाग भी फोन किया, सर मेरा थोड़ा जिहा गैप है, मेरा ट्रैक्टर कार पुजी आ और मैं मंदिर का पलैंथ भरना है, और ये थोड़ी यदि चार दुआरी करनी है, इतने अस पूजा पाठ करने, जदों के अस इसका पूजा पाठ करा दें तो साढ़े घर शुभ शांति और बैजा बैजा है, माता रानी की कृपा करने साड़ा टाइम पास शैल हो रहा, और अस चाहते हैं कि तुम थोड़ी साड़ी हेल्प करो, अगर थोड़ा जहा गैप भरी दो तो साड़ा ट्रैक्टर जो सा घर लद्दी की ट्राली बेड़ा पुजी आ, क्योंकि ट्रैक्टर रोड की आखिर जे ट्राली जिस ट्रैक्टर रोड से अगर ट्राली लद्दी की कुसा बेड़ा नहीं पुजे तो फिर वो ट्रैक्टर रोड के होया, वो ट्रैक्टर रोड थोड़ी दिखी आखिर। इन्हें पिछले दिन एक कम किया, इन्हें पहले एक इन्हें रोड बनाया, उस घर के सामने रोड बनाया, उत्थे एक आइडिया इन्हें लाई 1,71,000 रुपया, जेदे च 1,16,000 रुपया ले लेदा। मैं उदिया दो आइडिया दिखी, मेरे घर को इन्हें आईडी बंद करी, उत्थे इन्हें दोबारा बुत्ती लाई, मैं जल्द देखा कि आईडी लगी है, तो यह थोड़ा जहा मेरा ये गैप है, नहारा भरी दौ, इन्हें कोई नहीं मनिया, महाराज प्लान बनाने पौते। मैं सजा दी फोन किया, मैं सजा सर इं गल, तुस कौन बोला दे? मैं सर मेरा नाम कुलदीप है, मैं नड़ेई दा बोला, तुसें पहले कदम फोन नहीं किया? मैं सर भी नौबत नहीं आई है, मैं दिखी मेरे घर म्हल मेरा 10 दिन हुआ JCP लगे, और मेरा थोड़ा जहा गैप है, अगर 2 घंटे लाइडो तो यह मेरा गैप भरी है, ट्रैक्टर पुजी है, बाकी सर कोई गल नहीं, जिसे अगर डंगा शंगा देना, अगर थोड़ी इच्छा, अगर मौका देखे जाए गल। उन्हें आख्या तुसें सारे कोलों पहले प्लान बनाने पौंदे, और बिना प्लान का कोई काम नहीं, तो तुसें कुन्ने आख्या JCP लगी साढ़े काम की? मैं सर तुहाड़ी लेबर लगी दियाँ, JCP लगी दियाँ, और मैं तो खाली इन्नी गल हुई, गलती हुई सर, महाराज नहीं करो, मगर तुस गल तरीके कन्नै करो। बोला ना 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 ना, कोई JCP नहीं है साढ़े कोल, कोई JCP नहीं है। मैं आख्या ठीक है, फिर रुको 2 मिनट, मैं आपको दसना। दूए दिन सवेरे ने जल्द JCP काम पर लाई, मैं एक वीडियो क्लिप नुहाड़ी बनाई है, मैं चेयरमैन जिहड़ी मैरा मान रहे, चेयरमैन उहदा नाँ है सुषमा, उहदे घर वाले भेजी राज कुमार दी, जिसे उन्हें देखा सारा, उन्हें वीडियो फोन किया, उन्हें कहा मेरा काम बंद कराई, ये मेरे गुस्सा हुई है, ये पंच पूरन चंद इन्हें मैं दाड़ा मारिया कि तू दिख लगे तो वीडियो क्यों बनाई? मैं सर मैं वीडियो इस वास्ते, गलती हुई भरावा, मैं वीडियो बनाने गई थोड़ी, मैं वीडियो इस वास्ते बनाई कि मैं सजाग दी फोन किया, सजाग ने मैं जवाब दिता कि साढ़े काम जे वीडियो JCP नहीं चलदी। सजाग ग्राम सेवक और नरड़ी वाला रौने वाला है, और जो एरिया जो वो गया सारा सजाग ग्राम सेवक, तो हरीश को हरीश और ग्राम सेवक सजाग,
वो रीश किन्ने चिर उन्हें नौकरी की है, वह बाद सजाद उत्थे आई आ जोड़ा काम 18-19 चीज रीश ने किया था, वो आखता रीश करी आ, वो आखता ओड़ा करी आ, ओड़ा ओड़ा करी आ, इन्हें मी कोई उत्तर पैरल दिता। इन्हें मेरे मगर चढ़े रहे। उनका मेन मकसद यह है कि जो नरेगा का काम है लेबर के तहत होंगे है ना। जी जी जी। तो मगर उत्थे जेसीबी लगी तो वीडियो बनाई ना, जिस वेल्ले इन्हें भी आख्या साढ़े काम कोई जेसीबी नहीं। मैं सर मैं प्रूफ दिना, जल्द मैं वीडियो बनाई ये महाराज मेरा मगर होइए दिखी लगे तू मेघ है। सर मैं मेघ जरूर हाँ, हूँ मैं राजपूत कियाँ बना? यदा मतलब तुम्हें राजपूत या ब्राह्मण का काम करने, मेघे का काम कोई नहीं करना? ये इस गल का क्या मतलब? फिर इन्हें आख्या तू अनपढ़ है, जो कुछ मर्जी कर लै, दिखी लगे रास मट करी कारण। मैं सर मैं तुम्हें कहना रास मट करी यार, ये पिच भी ये गल आखता था, तू दिखी लगे यार तू वीडियो बनाइए। गवले किस चाली दे तुस? गवले सुना लगा मैं सारी डिटेल, मेरी पूरी गल सुनानी मैं अज, मैं पूरी गल सुना। लंबी हो जांदी ना कहानी फिर जी। अच्छा ये जल्द यह गल हुई महाराज के, उसके बाद इन्हें मैं फोन फान भी किया, फोन इन्हें कोई नहीं किया। मैं दोबारा इन्हें फोन करा, मैं सर इं गल है, दिखी लो ये तुम्हें रोड बनाया नहीं बनाया? नहीं जी, जो मर्जी या नहीं। मैं एक एप्लीकेशन दी वीडियो की, एप्लीकेशन दी मैं 21-9-2020 की, यह वीडियो मैरा मांद ने वीडियो दी कि सर ये एक तलाब बने इतने नड़ेई महला नड़ेई जो आईडी लगी दी, और एक जो रोड बनाया ये मेरी अखी के सामने है। दो दिन जेसीबी ने एक ट्राली कन्ने मलबा पाया था, जशपाल सन प्रीतपाल उसकी ट्राली और एक जेसीबी लगी दी ही, हूँ पता नहीं सरपंच भनेई दी है जां कोई सघाणी का कोई बंदा आखदे उसकी डेट डिपार्टमेंट चलती है, वो लगी दी कोई लगी असें देखी। वो जेसीबी ने आनी है मलबा सुटिया और मलबा पाइए उसी पदरा किया, काम खत्म कराया 1,16,000 रुपए ने कराई लिया। फिर यह मैंने आख्या यह दौ, यह कोई देन मी कुसै साइड पर एक मास्टर रिपोर्ट लभी, यह मास्टर रिपोर्ट है यह उस रोड की जिहड़ा मेरा ट्रैक्टर रोड इन्हें बनाया थल मेरे घर पिछे खत्म कराया, यह मास्टर रोड है जिद तमाम मेरे ग्रां दी लेडीज न जिन्हें उत्थे दिहाड़ी नहीं लाई दी और उनके नाम खाते के पैसे निकले। ये आप क्लीयर भी कर सकते हाँ, ये सामने ये लिस्ट है जिथे जिन्हें कोई कुसै भी ये औरत ने कोई काम नहीं था। ये दो बंदे ने ऐसे जिन्हें उन्हें काम किया, बाकी मतलब सिर्फ पैसे कढ़ाए थे, सिर्फ एक बंदे ही लभी गल जी। मसला इशू यह आता है ये ट्रैक्टर रोड एक और ये उनकी आईडी, ये उसको रोड की आईडी एक स्कैम है, क्योंकि जिले ये नरेगा के काम आए नरेगा के ता है कि ग्रां के लोगों की जोड़ा है एक रोजगार लभी सकै, उसके बाद भी जिले जेसीबी लिया काम क्योंकि गैर कानूनी खाते जाता जेसीबी नहीं तो चलाई सकते नरेगा के कामें बच्चे। तो सब तो वही गल है कि पैसे भी उनके खाते निकले, उनके खाते के ना उनके नाँ पर निकले जिन्हें काम ही नहीं किया जी। एडा स्कैम आ गए कि सरकार के धोखे तो रखे इन्हें लोगों जी। अच्छा उसके बाद च मैं फिर छोड़ी का काम, मैं आख्या चलो ठंडा जो दाड़े छाड़े बड़े मारे मैं डरी भी गया, तो ये गाली गोलियां इधर उधर आई है सारे ही सरपंच फोन ले पाया कर ये कर लगे ये करके वो करके मैं छोड़ो क्लासी टाला। हूँ फिर मैं ये दो ए बाद भी बड़ी गल् हुई बाद भी बहुत कुछ होया, मैं चुप रहा मैं जाओ यार करो यार करो मैं छोड़ा मालक अगर मत्था टेक मैं दवा करो नहीं बनाओ यार छोड़ो पर क्लासी हुई। उसके बाद महाराज हूँ इन्हें पिछले दिन एक किया आइए बाजी के दो केस आए मेरे चाचे की 3 साल पीछे पिछले पहले भी मैं जिक्र किया 3 साल की कोठी उनकी टट्ठी दी मैंने कहा पता कि इन्हें फ्लड का पैसा लगे जल्द डिटेल कटाई इन्हें आखिया फ्लड का पैसा निकलिया इन्हें 1.5 लाख रुपया फ्लड का थोड़ा लख रुपया जो डीसी का डीसी ऑफिस का आएगा और 50,000 रुपया तहसील मैरा मान रहा वो भी उन्हें ये सारी डिटेल है आप कढ़ाई लैन ये डिपार्टमेंट कढ़ाइए देखे कि बाबूराम की 1.5 लाख रुपया जो लगेगा किस बेस का अगर इसी आखते कि कोठी का पैसा तो कोठी बनाई लगा इन्हें किसी बाड़ी पदरी कराई ना जमीन नाश हुई उसी सीधी कराई डंगे दवाए और एक गंढ कोठी का कच्चा हा वो सीधा किया हूँ 50,000 कन्ने या 1.5 लाख रुपये कन्ने फाइव स्टार होटल के बंदा नहीं है वो इये कि एक गवर्नमेंट की स्कीम होती थोड़ी मदद होंगी है बंदा स्टैंड हो जाता ध्याड़ी धुप्पी लाइए अपना जगाड़ बनाई लेंदा इन्हें कुछ नहीं इन्हें इसी लारा लाई रखा कि आइए बाइए का केस आवा आइए बाइए का केस आवा आइए बाइए केस के फ्लड के केस क्या फर्क नहीं है। मैं डिपार्टमेंट की पूछना चाहना गवर्नमेंट की पूछना करना अपील करना चाहना इन्हें अगे फ्लड डिपार्टमेंट बखरा जां आइए बाइए का बखरा और मैं सब तो पहले वो भी गल बंद हुई चलो ठीक है इन्हें हूँ भी दाड़े छाड़े मारे महाराज दिखी लगे अस मीडिया खरीदी लगे अस ये कर लगे दिखी लगे के करता ये है वो इन्हें बड़ा बड़िया मेरे कन्नै बदतमीजियां कीतियां। परसों मी थाने फोन आंदा है वो आखदे महाराज थोड़े पर एफ आर नहीं सुनाया उन्हें आख्या बड़े प्रेम कन्नै उन्हें मेरे कन्नै गल की पुलिस आए उन्हें आख्या सर तुहाड़ी पंचायत जिहड़े वार्ड दे तुहाड़े लोग आए दिन थाने एप्लीकेशन देई कल सवेरे दी गल है और तुस थाने आओ मैं सर मैटर क्या उन्हें आख्या मैटर का पता नहीं है और ये लोग थाने आए दिन उन्दे च मैं तुसें नां सुना मैं आख्या फर्क कौन आए सुभाष एक्स पंच काफ़ी टाइम ये पहले पंच रहा सुभाष इस वेले नहीं है सुमन कुमारी वार्ड नंबर 2 दी पंच मंगीत राम पंच वार्ड नंबर 3 सतपाल जखाले पंच वार्ड नंबर 1 रीनू वाला पंच वार्ड नंबर 5-4 अया चंचलो देवी है कोई वार्ड नंबर 5 दी है प्रभु दयाल नायब सरपंच है अजीत सरपंच है थोड़ू राम
लड़ाई रौने वाले जिन्हें आई ए बाई का केस दिता जेडे आखा दे कि असें आई ए बाई का केस वो थोड़ा 2014 वाला थोड़ा और असें नोरैला लिया इंदा बोर्ड कराला पंचायत है रौने वाले नड़ई दिन दोए कोठियां दोए भराएं बनाई दी और इन्हें मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट की कि इन्हें गलत खबर लाई है जां गाली दी है जां किश कीता जां जो भी है मेरे इंदा मुंह नहीं लगे मैं पता नहीं है कौन है मतलब मेरे को काफ़ी दूर रौंदे और मी पता नहीं है मैं तुंदा आखना मतलब कि तुसे आवाज चुकी ते तुहाड़ी आवाज दबाने दा ही हरासमेंट करने दा ही पुलिस तक दा ही सारा लैंदा सारा सारा लैंदे पिछले दिन कोई स्कूल दी वेरीफिकेशन मैं करान लगा जिस टाइम भी मैं कुसै एप्लीकेशन दियां कुसै डिपार्टमेंट दी चाहे वह रस्ते बारे दियां चाहे मैं स्कूलों के बारे दियां इन्हें सीधे थाने आई जाना महाराज वह असें गाली कड्ढा मी ये समझ नहीं लगती कि जिस टाइम मैं उहदा बाद भी तो मैं उत्थे रहना अगर मैं एप्लीकेशन जिल्लै कोई वेरीफिकेशन करां तुसें ओह तकलीफ की होंदी और मैं पूरी पंचायत का कोई मतलब नहीं है ये सारी पंचायत मेरे खिलाफ नहीं है इन्हें एप्लीकेशन दी थाना इस मीटिंग का बाद मैं थाना जाना मैं थाने बुलाए दा एस एच ओ साहब ने बुलाया दा उसे असें बाबू राम और कुलदीप राज ने जाना है वो क्या आखदा क्या मैटर है की नहीं उनका पूछिए अस दोबारा थोड़े कन्ने जुड़े रहोगे एक मसला जो तुम आखा कि डंगे वगैरह तलाब के बारे गल सुना करदे तलाब का मसला यह है सर तलाब बनाया नड़ई च शो किया इन्हें महला नड़ई तलाब पौड़ महाराज मैं एक ऐसा अनपढ़ बंदा अठवीं पढ़े दा मी पौड़ इंग्लिश मी आउंदी गै नहीं पौड़ पौड़ 2,80,000 रुपया मैं कोई 6 महीने में तुपदा गया है गए आई टी आई लाई मैं बाद इंदियां बदतमीजियां सुनने दा बाद फिर मी कुदै पता लगा कि ये एक दरवाजा होर भी है वो दरवाजे गल्ला थाया मेरे कोल पूरी फड़ो मेरे कोल पूरी 2016 कोला लेइए जे मैं आई टी लाई मैं घबले दसो के घबले होए पूरे पढ़ना नहीं आती जो पहले दो सब तो दो अपने वार्ड नंबर नौ देंदे मैं एक कराला पंचायत में मैं हुण थाने आइए सुनाना ना के गफला ये मैं बाद च तुसें सुनाना सिर्फ पहले मैं अपनी वार्ड नंबर नौ की गल करा जिहड़ा मेरा एक ट्रैक्टर रोड इन्हें बनाया 1,16,000 रुपया कढ़ाया उहदी मास्टर बोर्ड में तुसें दसी है दूआ जिहड़ा इन्हें तलाब बनाया नड़ई च महला नड़ई शो किया एक पड़ो छपड़ी है जिहदे च 400 कनाल जिहड़ा रकबा है वह सरकारी है उस सरकारी खाते च एक छपड़ी है मेरी जन्मभूमि है उत्थे मैं दिखी निक्के निक्के अस मिट्टियां खड़ियां उत्थों आंदे हे और रत्ती छपड़ी उसी आखदे रत्ती छपड़ी दे कन्ने एक निक्का जिहा डबोरा उत्थे सिर्फ 3 दिन जिस मजदूर ने उत्थे काम किया उन्हें 3 दिन कच्चे डंगे दिते ने यह काम कराया था जीत कुमार सनव शंकर दास आर ओ नड़ई उहदे कन्ने ग्राम सेवक होने ये सारे रीश है कोई है ग्राम सेवक रीश है इन्हें तलाब बनाए दा है और रीश तलाब बचा जमीन उपर मैं आख्या महला नड़ई च मैं तो तुपदा रहा तलाया कुत्थे महाराज शो करो तलाया कुत्थे किन्ना पैसा गवर्नमेंट मारी पता नहीं उहदे च 2,80,000 रुपया जां कुछ इन्ना पैसा है 2 लाख कोला उपर गया पैसा ते कड़ा इहने जिहड़ा उहदा ले लेदा और जिस मजदूर ने उत्थे 2 दिन लाए उसी अली पैसे भी नहीं लभे हैं दूआ नंबर मेरा रोड है जिहड़ा रोड वाला इहने आख्या तू जो मर्जी कर ले यार अस तू देखी लग के करगा और वो डंगे जिहड़े लगे दे उस रोड दी जिहड़ा उहने बनाया 2007 च उसलै ग्राम सेवक पता नहीं कि मीं याद नहीं रहा वो आपे वेरीफिकेशन होंदी है 2007 जिल्लै वह रस्ता बनाया उसी उन्हें डंगे दिते हे अजीत कुमार सन्नव शंकर दास ने अपनी शाम वाली जगह घेरी उसी ने डंगा दवाया वो डंगे इन्हें इस रोड कन्नै टैग उहदे बारे बारे इन्हें मलबा पाया ते ये 2018-19 उसी मुड़ी एक बारी इन्हें पद्धरा करी 1,16,000 रुपया 1,71,000 चा 1,16,000 रुपया ले लिया और सिर्फ उत्थे 2 घंटे JCB लाई दी और 4 ट्रालियां इत्थे मलबा वाले पाया और उत्थे खलियां उन्हें बूटियां लाइया मेरा सामने पैसा अगर सही तरीके कन्ने आउंदा ग्राएं ताईं ते अगर ओह लगी आ ते ग्रां ते सिटी कोलों वी उपर होई आ हां जी हां जी बड़ा होई आ अच्छा हुण तुस मैं मेरे खिलाफ थाने गए दिन थाने वाले मी की आखदे पिछले दिन मी एक स्कूल का मसला हा असें कोई मसला चुकिया स्कूल का एक वेरीफिकेशन साढ़ा कुक नहीं उत्थे लगेदा यह है दिलमोहन मैडम है उत्थे लगी दी जायदा अख्तर उहदी जिहड़ी कुक लगी दी उह शाखदा अख्तर है और साढ़ा ये बाबू दी मैडम कोला मेरी चाची कोला उहने 4 साल काम कराया और जिल्लै मैं वेरीफिकेशन करान लगा तो उन्हें आखिया इतने कोई इन्हें काम नहीं किया उहदे कोला नूठा लवाइए और इन्हें कुक जी अपनी दोए भैन एक बड़ी टीचर ही उहदे टीचर ते अपनी पढ़ाई पर लगी दी है मगर उन्हें कुक भी जी अपनी छोटी भैन लवाई हूँ असं नहीं आखते बदतमीज करते आखते इं गए थाने मुड़िए इन्हें कराइए साढ़े कोला सैन कराए कि एप्लीकेशन दे ये नहीं कराया वो कराया डैसा कहने हूँ सारी जिले ने देखा कि तलाल जरा आई ए बाई के केस जे बने मुश्ताक अहमद सनव बशीर अहमद पिछले 4 साल की कोठी पक्की है मी तो पता होना हाँ पिछले मैं वह अज भी ना हा लैना मैं हूँ इस बार लै ला कि उन्हें भी नहीं सैन कर दिए कि साढ़े खिलाफ है महाराज मेरा 2014 का केस आएगा 2014 के 22-28 साल बाद केस ले भी लभन फ्लड का जिस साड़ी पंचायत से हर बंद की फ्लड का पैसा लभेगा क्या वह बाद उसी आई ए बाई का केस नहीं दिता बाबू राम की गल आई तो मुद्दा चुकीए नहीं जी ये गलत इसी कोठी के पैसे लभे अस मनने असें गौरमेंट का 1,50,000 रुपया लभे का मेरे प्यो भी 40,000 रुपया लभ्या साढ़ा दरार रुड़िया हा थोड़ी कसी रुड़ी ही और साढ़े बरगे टुटे साढ़े बरांडे असें उसी टीन पाई अपने पैसा लिया हूँ 18,000 कन्नै में मैल देना हा बनता टीन गै पानी नुहाड़े उपर हूँ अस भी शो करी सकते कि तुस असें भी केस दो असें भी 2 कमरे पूजा लिए बनाए साढ़ा भी एक टीनी शैड बनाए दा असें तुस दे सकते मेरे म्हल्ले दा कन्नै एक गुजर मुसलमान हो वो बेशक मेरे एंटी रौह्न इंदे खिलाफ मेरे खिलाफ सैन दे जां केह् करन पर उंदे टीन छड्डन वो गरीब ने रोड बनी है रस्ता बनी है मैं अपनी मालकी बाड़ी च उन्हें रस्ता दित्ता
बच्चे जाने लिए उसके कुड़ी का ब्याह मैं सारा रस्ता दियो मैं कोई मुसलमान वाला कोई इतने काम नहीं किया ये मेरे को फलान करा दे मेरी पूजा पाठ की रुकावट पा रहा है सारी एडमिटेशन मेरा खिलाफ हुई क्यों इस वजह कहीं हुई और मैं हूँ ऐसे ऐसे एडमिटेशन की पूछना चाहना कि जनाब एक गल सुनाओ पंच सरपंच सारे अजीत शर्मा जी में पूछना चाहना तुसें पहले भी वन साइड गल सुनी है और असें थाने हरासमेंट किया 8 दिन वो एस एच ओ मैं उनका शुक्रिया करना और बहुत अच्छे और प्रेम करने उन्हें मेरी गल सुनी इन्हें मेरे कड़े बड़ी दफा लाइया उन्हें मेरे कन्नै सारी गल सुनी जिसलै मेरे डाकूमेंट देखे उन्हें आपू आख्या कि आप जो कार्रवाई डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हो वो आप करो इनका मसला ये बोल रहे हैं गाली गलोच मैं सर मैं क्यों गाली गलोच दूंगा इनकी खैर वो सच के या झूठ गए उन्दे असें ते उन्दे कोल कदे जाना उन्हें तो 24 घंटे उनका काम गई सच के या झूठ गया शॉर्टकट गल दोबारा जानना चाहिए एक बार जो घोटाले होते हैं कि पैसा घोटाले आए थे किम आए थे जो नहीं कराए मैं एक गल आखना चाहना हूँ ये गल आखना चाहना कि जिनी भी पंचायत में मेरे लिए अपनी वार्ड नंबर 9 कन्ने मतलब हमें अपनी वार्ड नंबर 9 की वेरीफिकेशन दिखी कि मेरे ये 2 काम और आई ए वाई वाले केस इन्हें मती सारे तकलीफ हुई कि यह ऐसा इन्हें इन्हें ऐसा नहीं है अज भी मैं दबाव दबाना चाहते कि मे गए कि बिगाड़ लगे या कह कर लगे ये कह कर लगे मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पंचायत की पूछना खा चाहना कि जोड़ा जिस बंद की फ्लड का पैसा उस वे लभेगा क्या वह बाद उसी आई ए वाई का केस दिता गया और मैं सारी डिपार्टमेंट अगे अपील करना चाहना हथ बनी उनके अगे प्रार्थना करना चाहना 15 दिन के अंदर इनकी वेरीफिकेशन की जाए कराटल पंचायत की आई ए वाई के केस कुसी कुसी थोए थे किन्ने किन्ने वैरी थोए थे और फ्लड का पैसा किन्ने किन्ने वैरी थोया कि गवर्नमेंट का उसी बेनीफिट थोया कि इन्हें गली बनाई है कुत्थे कुत्थे इन्हें डंगे दते कुत्थे कुत्थे इन्हें जेसीबी लाइया वो प्रूफ मैं खुद देता हूँ अगर मेरी लगाई दी आरटी गलत है या मेरा लगाए दा आरोप इन्हें साबित नहीं हो सकता मैं खुद अरैसट हो जाऊँगा एक गल होर बेली राम सन्नम मनसा राम आर ओ धड़ारदान कठाड़ पंचायत का रौहने वाला है वह प्रधायक बिशन लाल सन ऑफ प्रेमचंद वीडियो बुला के सजाग ने असी अगे रखे ये कुछ डिपार्टमेंट की नौकरी भी करता है एग्रीकल्चर पता नहीं कहते नौकरी करता है कि डिपार्टमेंट नौकरी करता यह सारे काम वीडियो बुला के दिखता लोगों की घराला पूछा जा कि सारे काम कराता या नहीं कराता इे इन्हें जे जिन्हें भी जाब कार्ड ने जोड़े इन घर के इनकी वेरीफिकेशन किया जा 2 घंटे जेसीबी लाइए फटोफट खाते इन खाते अपने अपने बंद खाते जो पैसे पाइए कटते फिर लोगों की तंग करते अं पैसे दो अं पैसे दो तुम कुछ खाते क्यों बिना पूछे मंगे क्यों एक दूए का कार्ड लाते हो और जिन्ना पैसा रौने वाला है तुहाडा रधान कठाड़ का सारा पैसा इस बंद ने बेली राम ने अपनी खाड़ी कराटल पंचायत का लाया गलत पैसा यूज़ किया यदि वेरीफिकेशन पूरी की जा सरपंच जीते थ्रू सारी की जा रिपोर्ट सारी करिए देंगे दूसरा नंबर जो बेली राम है रौने वाला तुहाडा रधान कठाड़ का कराटल पंचायत शाम लाड़ घा चलाई दी नजायज़ गरदौरियां लाइए लोगों पर केस करता मैं तो 2 केस भुजना कब्जा साड़ा जमीन साड़ी और यानी चोरी गरदौरियां लाइए असं हरासमेंट करने की कोशिश करता त्रै दो इन्हें कि साढ़े पर केस किए थे और असं नजायज़ लोगों की तंग करता जगह 71 की गरदौरियां जीडिया कुसे की लगदियाँ मालक कोई और इन्हें दफा 4-8 कराई दी इहदी पूरी वेरीफिकेशन की जा ता कि बंदा रौने वाला कुत्थों दा इहदी इत्थे जमीन किन्नी है शाम लाड़ इत्थे आखदे मलकूजा माल मालक की शाम लाड़ होंदी है और इहदी कल्ले कियां बणी है चाली चाली कनाल और फिर घा चलाई दी गरदौरियां ये कियां लोगों की दो एक केस ने साढ़े अखनूर कीता दूआ केस ने साढ़े जम्मू कीता रौने वाला है तुहाडा रधान दा और कराटल चढ़िया शाम लाड़ दियाँ गरदौरियां लवाइए तो नजायज़ करदा करदा इसी गौरमेंट पूरे डीसीसी पूरे तरीके ने देखे जाए मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता कराटल पंचायत का जिन्ना भी पैसा लग्या जो भी डिपार्टमेंट का पैसा लग्या सारी इनकी 15 दिन के अंदर वेरीफिकेशन क्लीयर कर लै नहीं तो मैं इन अपील लगा लैन फिर बाद नहीं आखे गुस्सा करो क्योंकि मैं इनकी कार्रवाई करनी ये मैं बार बार पुलिस का हरासमेंट करते हैं बाद में हूँ पुलिस एस एच ओ अखनूर को जाना है वो देखते हैं कि आखते हैं कि मसला लिया इन्हें किया पर मेरी गल इन्हें नहीं करनी जय माता दी जयकारा शेरां वाली का बोलो सच्चे दर बिल्कुल बिल्कुल ये कुलदीप हो रहे मैं एक बार दोबारा सारे दर्शकों की साफ करी दिया कराटल पंचायत नडी आले क्षेत्र विचों कुलदीप और आए दिन तो इनकी नडेई विचों मसला के है कि जो मनरेगा के काम होंगे पहला नंबर वो जो लेबर के थ्रू के होंगे ग्रामीण की रोजगार देते उत्थे जेसीबी लगी हुई है काम फटाफट किया पैसे जेबे पाए चलते हुए दूसरा मसला के है कि जो पैसे निकले वो निकले भी कुंदे ना पर जिन्हें दिहाड़ी नहीं लाई दी तीसरा मसला के है कि आखिर एक छप्पड़ हा छप्पड़ तालाब छप्पड़ हा जिहड़ा छप्पड़ है ही नहीं उहदे पैसे निकलीए इन्ने सारे डंगे जिहड़े डंगे ग्राम विच बणदे न उह डंगे दे विच भी पैसा निकलीए कई गलियां जिहड़ियां बणियां नहीं आखिर उहदे भी पैसे निकलीए ते जिने ही इंदिरा आवास योजना के तहत जिंदा राइट बनता हा जिंदा हक बनता हा उन्हें ही हक नहीं लभ्या बल्कि सिफारशी तौर उपर ग्राम सेवक की मिली भगत कन्नै जां उहदे
इलाके जेडे मोहदवार दे मीडी भगत कन्ने अपने अपने लोकें गया फायदा दिता गया ते जांच दा विषय है क्योंकि सरकारी पैसा है सरकारी पैसे की एक एक रुपए की जांच होनी चाहिए ये पैसा जोड़ा गरीबों का पैसा होंगे अगे आगे गवर्नर साहब की लास्ट वेल किस चाली जांच होनी चाहिए किस साहब की सजा भी किस साहब की लभनी चाहिए जिन्हें लोगों आप आम बंदे एक ग्रां के लोगों का पैसा खाइए अड़पिए डगार भी नहीं मारे उन्हें लोग आखना चाहना सच और झूठ की लड़ाई है अगर मैं ये झूठा पिया तो मैं जो मेरी जो मर्जी गवर्नमेंट सजा दे प्रधानमंत्री मी सजा दे अगर मैं गलत हाँ अगर ये गलत पाए जाते इस मिसल जिन्हें जिन्हें जिले भी मैं एप्लीकेशन डिपार्ट मेरी लड़ाई डिपार्टमेंट के साथ है भाई मैं पंच सरपंच के पास मेरी कोई लड़ाई नहीं है आप क्यों बीच में आ रहे हो जब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ वीडियो बनाकर मैंने सजा से सजा के हिसाब ले रहा हूँ भाई तूने तालाब लाया दिखा दिखा क्यों नहीं दिखा रहे कहाँ तालाब बना हुआ ये रोड है ये कहाँ पैसे गए इसके और मेरा थोड़ा यार डंगा यार तू डंगा नहीं दे रहा अगुआ टेटियाँ पड़ दे अगुआ पंच भी दाड़े मारता पंच क्यों मेरे बीच में आ रहा है जब मेरी मेरे को एसओ साहब ने खुद बोला हुआ कि आप डिपार्टमेंट के साथ झगड़ा करो डिपार्टमेंट के साथ मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ ये क्यों बीच में आ रहे हैं इसका मतलब ये गंदे हैं चोर हैं मैं ये बात बोलूँगा ये चोर है इसलिए मुझे दबाने के लिए हरासमेंट पुलिस भी कर रहे हैं अभी मैं SHO DSP के साहब जब पास जाऊँगा यहाँ मेरी बात खत्म नहीं होगी तो मैं आगे भी जाऊँगा मैं LG के पास भी जाऊँगा और मैं कोर्ट में भी जाऊँगा मेरा ये अगर फैसला नहीं किया मैं डिपार्टमेंट खासकर इन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा वीडियो ब्लॉग वालों को वीडियो ब्लॉग वाले वेरिफिकेशन करें LG साहब वेरिफिकेशन करें और DC साहब DC से मैम से मैं मिला भी हूँ उन्होंने बोला भी है और वो ये वेरिफिकेशन जरूर करेंगे मैं दोबारा उनसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के मीडिया के माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा मैं गरीब आदमी हूँ हर रोज़ मेरे पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के ये पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं मेरे घर में बच्चे हैं बूढ़े माँ प्यो हैं हार्ट के पेशेंट हैं वो मुझे उनका भी देखना पड़ा है और ये बार बार क्यों मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं मेरे कने कोई मतलब नहीं है कुछ बाढ़ कने मेरा सिर्फ अपनी वार्ड नंबर 9 कने मतलब हा ये लोग क्यों बेचाए यदा मतलब सारे किट्ठी हुई मैं दबाने की कोशिश करने अभी पुलिस स्टेशन में क्या मैटर है मैं जाकर देता हूँ ये एक प्रूफ आपको एक मसला है बिल्कुल ये टाइम आई है यह सच्चाई है कि अज जरा बंदा आवाज चुकेगा ना वह फसे ही फसया वो पुलिस के धक्के चढ़ाई डिगन भावें कोई इन्हें आख्या दाड़ा शाड़ा भी सटाई डेया और भी बड़े सारे मसले आते हैं क्योंकि अखनूर भी पिछले दिन इयै हो कि एक बंदा कोई बोलिया हा म्यूनसीपल कमेटी आने भी अपनी मर्जी कने अपना सिस्टम कने काम कराया तो वह पर भी FIR लगवाई है उसी चाल थाने के अंदर बड़ा आसान तरीका हो क्योंकि आखते जिसकी लाठी उसी की बैंस जेदे हथे बच्चे डांग है मंझ उन्हें जबरदस्ती भी ले लेनी ताकत है एडमिनिस्ट्रेटर के लोग जिले अपने मिली ये हो सरकार जिले अपने कन्न बंद कर ले दे हुण ते फिर आम बंदा भी के करे मैं भी अपनी तरफ एक गल रखना चाहगा कि अगर ऐसे मसले आते हैं जेदे बच्चे सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता हो आम बंदे दे पैसे की हवा राख सुहा करी दिता गया हो आम बंदे की सहूलियत ना लभी है सौखे बंदे ही है उ सौदे लभे दे हुण ते उन्दे उपर कार्रवाई नहीं जरूरी है क्योंकि अगर एक अद्धे पर कार्रवाई हुई आ ते बाकी आने की जी टाइम टाइम फीस होनी गै उन्हें डरे दे मारे दूसरी बारी गलत काम लगेगा तो जुड़ रहो जम्मू परिवर्तन कैमरामैन बोबी शर्मा ने शिविर आ गई।